हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नीट का रिवाइज रिजल्ट अनाउंस होने के बाद दो बड़ी चीजें चेंज हुई है दोस्तों, उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहली जो चेंजेस देखने को मिला है वो है क्वालिफाइंग मार्क्स घट गया है। क्या हुआ है दोस्तों, क्वालिफाइंग मार्क्स घट गया है, यानी कि प्राइवेट MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया है वो घट गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, रैंक बच्चों का घट गया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, जिन बच्चों का 42,000 रैंक था उनका ये रैंक घट करके 39,000 रैंक हो गया, यानी कि 3,000-4,000 के आसपास का वेरिएशन, 3,000 से लेकर के 4,000 रैंक तक के फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। जब 20,000 के ऊपर जा रहे तो 20,000 के अंदर में ज्यादा चेंजेस नहीं है, फिर भी उसमें भी रैंक में फ्लक्चुएशन है। इस पे हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नीट क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के। दोस्तों जनरल और EWS कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 162 हो गई है, पहले आपको पता होगा 164 थी, ये घट करके कितना हो गया दोस्तों, 162 हो गया है, ठीक है। OBC, SC और ST कैटेगरी के बच्चों के लिए पहले था 129, जो घट करके 127 हो गया है। UR, EWS, PWD कैटेगरी के कैंडिडेट को 144 हो गया है, पहले 146 था। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए कितना था, 146 था, उससे क्या हो गया, 144 हो गया है। OBC, SC, ST के लिए फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 127, यानी कि अब प्राइवेट BAMS, BHMS और MBBS में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए मार्क्स चाहिए 162 मार्क्स, और जो आपका OBC, SC और ST कैटेगरी के बच्चों के लिए चाहिए 127 मार्क्स। और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जनरल EWS के जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनको चाहिए 144 मार्क्स, 146 नहीं 144 मार्क्स, ठीक है। और जो OBC, SC और ST कैटेगरी में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उसको 127 मार्क्स चाहिए, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।